हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक गाइस। अभी आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है फिनिश, एंड लुक एट दैट, डेकोरेशन अभी पूरी इंटैक्ट है बिकॉज क्योंकि डेकोरेशन हम रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो अभी रखते हैं डेकोरेशन को अच्छे से। जब तक ये बलून्स अपने आप खुश नहीं हो जाते तब तक इसको रखेंगे। और कल का डे बहुत टायरिंग हो गया था, गेस्ट थे सबके साथ में बातचीत करना, उनको क्या बोलते हैं डिनर वगैरह करा के सी ऑफ करना, तो उसमें पूरा टाइम गया, तो वीडियो मैं एंड वाली नहीं बना पाई थी। तो अभी भी आज भी पूरा दिन, पूरा अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट हाफ तो पूरा कंप्लीट हाउस को क्लीन करने में और सारा मैनेज करने में गया था, फिर रेस्ट किया। तो अभी इवनिंग में अभी हम करने जा रहे हैं गिफ्ट्स की ओपनिंग, तो आर्यन बहुत एक्साइटेड है। कल से बड़ी मुश्किल से मैंने उसको रोक रखा था, पर अब वो रुकने वाला नहीं है। तो आर्यन करने जा रहा है गेस्ट और गिफ्ट्स की ओपनिंग, और ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत वेल प्लान रही, मैनेज रही। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आप अपने डे को, अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं और एक परफेक्ट होम मेकर आप बन सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मैनेज कीजिए और आइडियाज़ एक दूसरे से हम लोग ले सकते हैं। तो ये मेरा आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर आपके पास कुछ और बेटर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कैसे होम मेकर अच्छे से प्रोफेशनली अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकती है और एक अच्छा मतलब टाइम डिसिप्लिन तरीके से हम लोग अपने घरों को मैनेज कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, एंड इट वॉज हिज 10th बर्थडे, तो 10th बर्थडे था तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट किया। और नेक्स्ट बाकी स्कूल में भी उसने पार्टी की, और घर पे भी सारी चीज़ें उसके फ्रेंड्स वगैरह जो भी उसने डिमांड की थी वो लगभग हम लोगों ने पूरी करने की कोशिश की। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कर लेते हैं गिफ्ट्स की ओपनिंग, क्योंकि आर्यन बार बार वहाँ से देख रहा है मम्मी फटाफट से गिफ्ट्स की ओपनिंग करो। तो चलिए कर लेते हैं गिफ्ट्स की ओपनिंग, आपको भी आइडियाज़ मिलेंगे कि अगर किसी के बर्थडे में जाना है तो क्या गिफ्ट लेके जा सकते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं गिफ्ट्स की ओपनिंग। गाइस आज हमारी गिफ्ट ओपनिंग हो रही है क्योंकि कल मेरा बर्थडे, आज हमारी गिफ्ट ओपनिंग हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो खोलो। सबसे पहले आता है सबका देख लेते हैं कि किस किस का ये है। यश सबसे पहले आता है आदित्य सिंह। हाँ आदित्य का खोलो, रुक जा बेटा, एक एक करके खोलना, बैठ जाओ तुम दोनों बेड पे बैठो दोनों, चलो मम्मी लिफाफे इसमें डालती रहना। ये है आदित्य सिंह जो मेरी सोसाइटी में रहता है और मेरा स्कूल का दोस्त है। ठीक है, सबसे पहले इसका लिस्ट देखते हैं। दिखा दो इस तरफ, दिखा रैपर मम्मी को देता है, अम्मा को देते। तो फर्स्ट फुटबॉल आ गया, फर्स्ट गिफ्ट फुटबॉल। तो ये नोट जो कि मेरी पढ़ाई में काम आ सकता है, पेन दिखा सीधा करके दिखा। उसने वैसे मेरे को बता दिया था कि इसके अंदर काफी चुप रहेगा। दिखाओ दिखा ना। अच्छा ये दूध पीने के लिए मगे थी, वो पैक करने के लिए कुछ होगा नहीं। रुक जा अभी, रुक जा, बनाए नहीं है। दिखा ये हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ता है, और ये मेरी क्या करेंगे ये वाला है मिल्टन की बॉटल है। चलो ये तो यूज की चीज है, ये वाटर बॉटल। इसके अंदर गरम पानी रखूंगी,
गरम ठंडा जैसा भी रख लो। देखना मम्मी से बोलते हैं। हां मेरा हां रुद्रा का इसके इसके फोन का करके क्या करें बच्चे। खोलो दिखा। सिर्फ लेयर की लाइटिंग किट है। देखो चलो दिखाओ चेस फ्रंट फ्रंट लुक दिखा। ठीक है ठीक। ये गर्म ठंडी वाली लग रही है। चलो सही। ये तो मेरे को दी है। दिखा सीधी दिखा ना सीधा कर। चलो सही। सीधा करके दिखाओ। आशी सीधा पकड़ इसको हाथ से फोटो क्लिक दिखाए दे। दीदी क्या लाई है जरूर फोटो फ्रेम होगा। नहीं ये है फोटो फ्रेम ही देती है हमेशा। मेरे को पता क्या दिया था लैंड कार्ड के लिए। हमेशा फोटो फ्रेम ही देती है। देखा सीधा कर क्या तो ये दे सीधा कर। वो लड़की का नहीं है इस पे अपने कोई भी फोटो लगा लो। अपने कोई भी फोटो लगा लो। ये क्या है। चलो हो गया। उन्होंने खोल लिए गिफ्ट और बहुत मजा आया है। बहुत सारे गिफ्ट मिले बहुत अच्छे अच्छे भी लगे हैं और बहुत सारे पेंट मिले हैं और एक बहुत बड़ा सेट मिला है और बहुत सारी चीजें मिली है। और ये हमारा चूना भी लगा है और हमारा चूना भी लगा है क्योंकि एक एक कप ये गिफ्ट जो टूटा हुआ मिला टूट गया। टूटा हुआ नहीं दिया था। हाँ ये टूट गया।